हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिंडमैनस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट थ्योरी ओके यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट थ्योरी जो कि लिंडमैन ने दी थी ओके लिंडमैंस यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन रेट थ्योरी ओके लिंडमैन ने दी थी ये हमारे पास जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है लिंडमैन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम्स होते हैं ओके okay? जो हमारे पास कलेयन होती है कलेयन हमेशा बायोमोलिकुलर होगी ओके क्लेयन बायो मोलिकुलर होगी कि जो हमारे पास एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ क कलेयन करके क्या बनाता है एक प्रोडक्ट बनाता है ओके okay? बट उस प्रोडक्ट बनने तक उस प्रोडक्ट बनने तक हमारे पास एक स्टेप होता है उनमें से एक स्टेप होगा जो कि यूनी मोलिकुलर होगा ओके जिस पे जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने दो एटम्स लिए ए प्लस ए ओके ये क्या है कोलाइड करके एक एक हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया ओके ए स्टार प्लस दूसरा एटम एज इट इज़ है ओके क्लियन करके जो एक एटम है वो ए स्टार में चला गया इसका रेट कॉन्सटेंट सपोज के वन है इसका के माइनस वन है बैकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का ओके सो जो ए स्टार है वो एनर्जी लूज करके क्या बना देगा हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा ओके ए स्टार से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी सो जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है डी पी बाई डी टी क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो क्या है के टू इन टू ए स्टार ओके के टू इंटू ए स्टार अब देखो अब हमने ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन निकालने सो हम क्या करेंगे डी ए स्टार बाई डी टी को हम जीरो पुट कर देंगे ओके डी ए स्टार ए डी एस स्टार किसके इक्वल है पहले हम फॉरवर्ड स्टेप देख रहे हैं फॉरवर्ड स्टेप में ए स्टार बन रहा है सो पॉजिटिव आएगा के वन ए स्क्वेर ओके बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट का, का काम कर रहा है सो हम आगे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं ये यहाँ पे भी ये रिएक्टेंट का, का काम कर रहा है सो हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं ओके इज़ इक्वल टू जीरो ये मैंने लिखना पहले सिखाया हुआ है वीडियोस में ओके okay? सो so, अब देखो हमने क्या निकालना है ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितनी आ गई के वन इंटू ए स्क्वेर डिवाइडेड बाई के माइनस वन ए प्लस के टू ओके ये आ गई ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन अब अगर हम रेट देखें रेट किसके इक्वल है के टू इंटू ए स्टार रेट इज इक्वल टू के वन के टू हमने ए स्टार की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी ओके के माइनस वन ए प्लस के टू ये आ गया हमारे पास रेट ओके okay? अब देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम लो कॉन्सेंट्रेशन पर रेट देख रहे हैं या हाई कॉन्सेंट्रेशन पर रेट देख रहे हैं ओके okay? अगर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है हाई है एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा कि मीन्स इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो के माइनस वन ए है हमने ए की वैल्यू बढ़ा दी के माइनस वन ए बड़ा बड़ा हो गया किससे बड़ा बड़ा हो गया के टू से ओके के माइनस वन ए इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन के टू ओके सो अगर के माइनस वन ए बड़ा है तो हम के टू के टू को निगलेक्ट कर सकते हैं तो जो हमारा रेट है वो किसके कुल आ गया के वन के टू ए द स्क्र डिवाइडेड बाई के माइनस वन ओके, ए के साथ ए कैंसिल हो गया ए के तो हमारे पास मीन्स जो अब रेट है एट हाई कॉन्सेंट्रेशन रेट क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए है ओके डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मीन्स अब जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है फर्स्ट है ओके okay? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ओके okay? अगर हम एट लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें एट लो कंसनट्रेशन एट लो कॉन्सेंट्रेशन इसका मीनिंग क्या है जो के माइनस वन नहीं है वो लेस देन लेस देन है के टू से ओके सो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल है के वन के टू ए का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के टू ओके okay? सो so, ये हमारे पास कित के को लगा के वन इंटू ए स्क्वेयर मीन्स जो अपडेट है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर मीन्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके सो मीन्स एट हाई कॉन्सेंट्रेशन जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो एज अ फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती है बट एट लो कॉन्सेंट्रेशन द रिएक्शन बिहेव एज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके सो अब देखो अगर हमने देखा कि ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बिहेव कर रही है ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बिहेव कर रही है मीन्स हम इसको किसके को लिख देते हैं यस फर्स्ट ऑर्डर है सो फर्स्ट ऑर्डर पे हम क्या करते हैं यस ये किस पे डिपेंड कर रहा है रेट इज इक्वल टू के वन के टू ए स्क्वे डिवाइड बाई ए प्लस के टू के माइनस वन ए प्लस के टू ओके सो अब देखो हमने देखा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करता है ओके सो फर्स्ट ऑर्डर है मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेट है वो किसके इक्वल है के डैश इन टू एके क्या है फर्स्ट ऑर्डर का रेट है हमने क्या हमने क्या देखा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करता है सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने लिख लिया रेट इज इक्वल टू के डैश ओके सो हमने अगर इनको क्या करें K के डैश कह यस के डैश कह रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू रेट कॉन्स्टेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके रेट कॉन्सटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट और डायरेक्शन सो इससे अगर हम निकालें तो हमारा जो के डैश है के डैश ए किसके इक्या अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं किसके इक्कू आ गया के वन के टू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के माइनस वन ए प्लस के टू ओके सो यहाँ से हमारा जो के डैश है वो किसके इक्को आ गया के डैश इज इक्वल टू के वन के टू इन टू ए डिवाइड बाई के माइनस वन ए प्लस

K1 वन यहाँ से ए से ये कैंसिल हो गया क्या आ गया K माइनस वन अपॉइन के वन के टू प्लस यहाँ से क्या आ गया K2 से K2 टू कैंसिल हो गया वन अपॉइन के वन इन टू ये क्या आ गया हमारे पास वन अपॉन के डैश वन अपन के डैश इसके इक्वल आ गया ओके सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वन अपॉन के डैश वर्सेज वन अपॉन ए में वन अपॉन के डैश वर्सिज वन अपॉन ए में ओके वन अपन के डैश वर्सिज वन अपॉन ए में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा आएगा ऐसा आएगा ओके okay, जिसका इंटरसेप्ट क्या होगा यस yes, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास के माइनस वन डिवाइडेड बाई के वन के टू स्लोप क्या ही है वन अपॉन के वन ओके सो आपने ये क्या है ग्राफ माइंड में रखना है ग्राफ याद रखना है कि अगर आपको वन अपॉन के डैश वर्सेज वन ऑफ ए में ग्राफ पूछते हैं ओके okay, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा विद स्लोप वन अपॉन के वन एंड इंटरसेप्ट के माइनस वन पॉइंट के वन इंटू के टू ओके के डैश के रेट कॉन्स्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन एंड के वन एंड के टू क्या है हमारे पास के वन है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट के माइनस वन है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट एंड के टू है हमारे पास जो जो ए स्टार से प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेट कॉन्स्टेंट ओके सो आपको ग्राफ ध्यान में रखना है ओके okay? अगर हम वन पॉइंट के डैश वर्सेज वन पॉइंट एक का ग्राफ प्लॉट करते हैं स्लोप आती है वन ओ पॉइंट के वन एंड इंटरसेप्ट आता है के माइनस वन डिवाइड बाई के वन के टू ओके सो अब देखो अगर हम करते हैं येस yes, ये आ गया था हमारे पास वन ओ पॉइंट के डैश वर्सेज वन अपॉन के डैश इज इक्वल टू के माइनस वन डिवाइडेड बाई के वन के टू प्लस वन अपॉन के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सो अब देखो अगर हमें दो अलग अलग के डैश पता है ओके okay? दो अलग अलग के डैश पता है और दो अलग अलग ए पता है ओके okay? वहाँ से हम के वन कैसे निकाल सकते हैं वहाँ से हम के वन कैसे निकाल सकते हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के मीन्स फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा रेट कॉन्सेंट है ओके रेट कॉन्सेंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर एक्शन वो दिया हुआ है दो अलग अलग कॉन्सेंटेशन पे तो हम वहाँ से के वन कैसे निकाल सकते हैं मीन्स जो फॉरवर्ड स्टेप का रेट कॉन्सटेंट है वो कैसे निकाल सकते हैं अब देखो सपोज हमें दिया हुआ है ये वन ओ के वन डैश कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए वन ओके सो वन पॉइंट जो हमारा के टू डैश है वो किसकी कल आ जाएगा के माइनस वन डिवाइडेड बाई के वन के टू प्लस वन के वन इन टू ए टू ओके सो हमें ये दिया हुआ है ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग के डैश वन दिया हुआ है ए टू के कॉरस्पॉन्डिंग के डैश टू दिया हुआ है हमने निकालना के वन ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कौन सा निकालना है सो so, वो कैसा आएगा हम क्या कर रहे हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ओके okay? अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको आप वन मान लो इसको आप टू मान लो ओके okay? दोनों को अगर हम सब्टैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या गया वन पॉइंट के डैश वन माइनस वन पॉइंट के डैश टू इज इक्वल टू ये तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास वन के वन ओके वन पॉइंट के वन हमने कॉमन ले लिया वन पॉइंट ए वन माइनस वन पॉइंट ए टू ओके सो यहाँ से अगर हम निकालें तो जो हमारा के वन है वो किसके इक्ल आ गया के वन के वन इज इक्वल टू वन पॉइंट ए वन माइनस वन पॉइंट ए टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट के वन डैश माइनस वन पॉइंट के टू डैश ओके वन पॉइंट ए वन माइनस वन पॉइंट ए टू डिवाइड बाई वन पॉइंट के वन डैश माइनस वन पॉइंट के टू डैश ओके ये क्या आ गया के वन रेड कॉरस्पॉन्डिंग रेड कॉन्सेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉरवर्ड स्टेप ओके अगर हमें दो अलग अलग के वन डैश एंड के टू डैश पता है उन दोनों की कॉन्सेंटेशन पता है ओके okay, तो हम के वन निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन है, इस नोमेरिकल पे मीनस इस फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रीवियसली आए है हुए हैं ओके okay? सो so, आपको ये ध्यान में रखना है जो के वन है वो किसके को आता है वन पॉइंट ए वन माइनस वन पॉइंट ए टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट के वन डै माइनस वन पॉइंट के टू डैश ओके आपने कॉन्सनट्रेशन यूज करनी है यहाँ पे ए वन एंड ए टू अगर आपको कॉन्सन्टेशन की टर्म्स में गिवन है ओके okay? अगर आपको प्रेशर की टर्म्स में गिवन है तो आप प्रेशर यूज़ कर सकते हो ओके वन पॉइंट पी वन माइनस वन पॉइंट पी टू ओके सो अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था हमारे पास अगर हम अगर हमने निकालना है फॉरवर्ड स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट ओके सो अब देखो जो हमारे पास के डैश आता है के डैश के डैश किसके इक्वल आया था के डैश इज इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू ए डिवाइड बाई के माइनस वन इंटू ए प्लस के टू ओके सो हमने अब देखना है कि अगर हम के डैश वर्सेज ए में ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कैसा बनता है ओके okay. अगर हम के डैश वर्सेज ए में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा बनता है के डैश वर्सेज ए ओके okay? सो so, अब देखो एट लो कॉन्सेंट्रेशन जब हमने कॉन्सेंट्रेशन लो रखी हुई है एट लो कॉन्सेंट्रेशन एट लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होगा लो कॉन्सनट्रेशन पे मीन्स जो हमारा के माइनस वन है के माइनस वन ए है वो लेस देन लेस देन के टू है ओके सो मीन्स हमारे पास क्या आ गया के डैश किस इक्वल आ गया के वन के टू ए डिवाइडेड बाई के टू ओके के टू से के टू कैंसिल हो गया मीन्स जो के डैश है वो किसके इक्वल आ गया के वन इन टू ओके मीन्स क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओके okay? इसको हम कह सकते हैं ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है ओके सो फर्स्ट ऑर्डर है मीन्स ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हमने ऐसे शो कर दिया ओके एट लो कॉन्सेंट्रेशन बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐट हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जो के माइनस वन नहीं है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा किस के टू से ओके सो okay? so अगर ये ग्रेटर देन हो गया मीन्स के डैश किसके इक्वल आ गया के वन के टू इंटू ए डिवाइड बाई के माइनस वन इंटू ए ओके अब एक कैसा ए के साथ ही कैंसिल हो जाएगा ये क्या आ जाएगा K1, K2 k k के वन के टू डिवाइडेड बाई k माइनस वन के डैश किसके इक्वल आ गया के वन के टू के माइनस वन मीन्स जो हमारा के डैश है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ओके okay? जो के डैश है वो ए की कॉन्सेंटेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ओके okay? सो so, ये क्या होता है हमारे पास कॉन्सटेंट बन जाते हैं ओके okay? ये क्या आता है एक टाइम पे आके कॉन्सटेंट हो जाता है ओके okay? जब कॉन्सटेंट हो okay? होता है एट हाई कॉन्सेंटेशन जब ये ग्राफ हमारा कौनसट हो जाता है तब के डैश किसके इक्वल है के वन के टू अपॉन के माइनस वन मीन्स जो हमारी ये वाली के डैश की वैल्यू है ये जो के डैश की वैल्यू है ये किसके इक्वल है के वन के टू डिवाइड बाई के माइनस वन ओके okay? के वन के टू डिवाइड बाई के माइनस वन इसको हम k मैक्स भी बोल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, ओके k डैश मैक्सीम वैल्यू ऑफ k डैश और हम इसको k इनफिनिटी भी बोल देते हैं ओके के इन इन्फिनिटी मीन्स एट इन फाइन कॉन्सेंट्रेशन ओके सो so, अब देखो हमने क्या किया के वन के टू अपॉन के माइनस वन आ गया अब देखो एट ये था एट लो कॉन्सनट्रेशन ये एट हाई कॉन्सेंट्रेशन अब हमारे पास एक और केस आता है वेन के माइनस वन इज इक्वल टू के टू ओके मीन्स जो के माइनस वन ए है वो K2 के टू के इक्वल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं जो हमारा के डैश है वो किसके इक्वल है के वन के टू ए डिवाइडेड बाई हमने क्या किया के टू को भी क्या लिख, लिख लिया के माइनस वन ए के माइनस वन एके सो ये क्या गया टू के माइनस वन इंटू ए के वन के टू ए डिवाइडेड बाई टू इंटू के माइनस वन इंटू एके के साथ ही कैंसल हो गया ये क्या आ गया हमारे पास के डैश इज इक्वल टू के वन के टू डिवाइडेड बाई टू इंटू के माइनस वन ओके टू इंटू के माइनस वन अब देखो जो के वन के टू वो पोन के माइनस वन है वो किसके इक्वल है के वन के टू पॉइंट के माइनस वन किसके इक्वल है के इन्फिनिटी के इक्वल है ओके okay, सो so हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा के डैश है वो किसके इक्वल है के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू के डैश किसकी इक्वल है के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू ओके ये आपने सारा सारे रिजल्ट याद रखने हैं ओके के डैश किसके इक्वल आ गया के वन के टू पॉइंट टू के माइनस वन के वन के टू पॉइंट के माइनस वन किसके इक्वल है के इन्फिनिटी के सो हमने क्या लिख दिया के डैश को के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू ओके के डैश इज इक्वल टू के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टू ओके सो ये आ गया हमारे पास के डैश अब देखो इस यहाँ पे ना जो हमारा के डैश इज इक्वल टू हमने क्या किया है जो हमारा के डैश है वो किसके इक्वल आ गया K okay, K के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू ओके के डैश इसके इक्वल आ गया यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है कि जो K -1 है, K -1 ए, के माइनस वन है K2 के माइनस वन ए किसके इक्वल है के टू के इक्वल है ओके okay? सो so, जो हमारा ए है कॉन्सेंटेशन ऑफ ए क्या है के टू डिवाइडेड बाई के माइनस वन मीन्स ये हमारे पास के इन्फिनिटी बाई टू कब आती है जब जो ए की कॉन्सेंटेशन है वो क्या होती है के टू डिवाइडेड बाई के माइनस वन ओके जब ए की कॉन्सेंट्रेशन के टू अपॉइंट के माइनस वन आएगी तब हमारा जो के डैश है वो के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू होगा ओके सो हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या आ गई के टू डिवाइडेड बाई के माइनस वन ओके इसको हम ना ए हाफ भी लिख लेते हैं ओके ए हाफ इज इक्वल टू के टू अपॉन के माइनस वन ओके ए हाफ इज इक्वल टू के टू अपॉइंट के माइनस वन अब देखो अगर हम यहाँ पे के टू अपॉन के माइनस वन की वैल्यू पुट करें के टू अपॉइन के माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा ए हाफ के ओके सो जो हमारा के डैश है वो किसके इक्वल होते हैं के वन ए हाफ डिवाइडेड बाई टू ओके के के डैश इज इक्वल टू के वन के टू अपॉइंट टू के माइनस वन है ना के टू अपॉन्ट के माइनस वन को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया ए हाफ के इक्वल ओके अब देखो जो के इन्फिनिटी है वो किसके इक्वल होता है के वन yes. के टू अपॉन के माइनस वन के इन्फिनिटी इज इक्वल टू के वन के टू डिवाइडेड बाय के माइनस वन ओके के टू अपॉन के माइनस वन किसके इक्वल है यस के टू अपॉन के माइनस वन किसके इक्वल है ए हाफ के इक्वल मीन्स जो के इन्फिनिटी है वो किसके इक्वल आ गया के वन इंटू के वन इंटू के टू के माइनस वन को हमने ए हाफ पुट कर दिया ओके सो के इन्फिनिटी इज इक्वल टू के वन इंटू ए हाफ और हम क्या लिख सकते हैं कि जो के वन है वो किसके इक्वल है के हाफ डिवाइड के वन इज इक्वल टू के इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई ए हाफ ओके सो ये सारे रिजल्ट ना आपने याद रखने ये ग्राफ भी मीन्स इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ आपने याद रखना है कि जो हमारा के इन्फिनिटी है वो किसके कुल आता है के वन के टू अपॉन के माइनस वन ओके के टू अपॉन के माइनस वन किसके को आता है ए हाफ के इकुल आता है ओके okay? सो so, अगर हम के टू अपॉन के माइनस वन की वैल्यू पोट कर दे हाफ तो हमारे पास जो के वन है वो किसके कुल बन जाते हैं के इनफिनिटी अपॉन ए हाफ ओके okay, आपने के डैश की वैल्यू याद रखनी है के वन ए के वन ए हाफ डिवाइड बाई टू आपना एक वैल्यू याद रख लो बस आप एक वैल्यू याद रख लो कि जो के टू ओपोन के, के माइनस वन है वो okay? ए के बराबर आता है ओके के टू ओपन के माइनस वन ए के बराबर आता है और आप याद रख लो कि जो आपके पास के डैश की वैल्यू आती है वो किसकी इक्वल आती है के वन के टू ओपोन के माइनस वन ये इंपॉर्टेंट है ये ये इंपॉर्टेंट है आपके पास k इन्फिनिटी किसकी इक्वल आता है के वन के टू के माइनस वन ओके के वन के टू के माइनस वन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बाकी तो सब आप बना ही लोगे ओके सो आप ये, ये याद रख लो के इन फिनीजिको के वन के टू पोन के माइनस वन होता है एंड आपके पास जो ए हाफ होता है वो के टू पॉन के माइनस वन होता है ओके एंड आपने याद रखना है के जो हमारा रेट वर्सेस वर्सिजे का ग्राफ होता है ओके यूनिमोलिकुलर एक्शन में रेट वर्सेस वर्सिजे का ग्राफ होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है सेकंड ऑर्डर ओके अगर हम के डैश वर्सेस वर्सिजे का ग्राफ प्लॉट करें के डैश वर्सी का ग्राफ लोड करें तो ऐट लो कॉन्सेंट्रेशन जो के डैश वो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन लोग आए के बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन के डैश इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंटेशन ऑफ एके सो आपने ये दोनों ग्राफ जो मैंने बताए हैं के डैश वर्सी से ये याद रखना है और वन अपॉइंट के डैश वाला ओके अगर हमने वन अपॉइंट के डैश वर्सी वन अपॉइंट ए वाला ग्राफ लोड किया था तब हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आया था के माइनस वन अपॉइंट के वन के टू एंड स्लोप के आई थी वन अपॉइंट के वन ओके ये सारा आपने याद रखना है एंड ये भी आपने मतलब इसके सारे रिजल्ट याद रखने हैं ओके okay, सो so अब हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यस फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपको दिया हुआ है लीडमेंट मैकेजम ऑफ यूनी रिएक्शन ऑब्जॉर्व ऑर्डर एट लो कॉन्सेंट्रेशन इस ओके लो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना ऑर्डर होता है हमने देखा था लिनमेंट यूनी रिएक्शन रेट थ्योरी में हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा ऑर्डर होता है सेकंड ऑर्डर ओके ये जून 2013 में आया हुआ है देखो अगर आपने आप अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से देख रहे हो ना अच्छे से समझ के मतलब नोट डाउन करके अच्छे से समझ रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन मींस कोई क्वेश्चन करने में, में मुश्किल आएगी ओके बट प्रोवाइडर आपको ना वीडियो तो अच्छे से देखो ओके okay? अच्छे से वीडियोस देखनी चाहिए अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है और मींस जो मैं आप मेरे वीडियोस देखोगे उससे आपका एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा ओके okay? बट वो अच्छे से देखो आप ओके सो सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें आपको ये दी हुई हैं दो रिएक्शंस ओके okay? इसमें देखा गया है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इज़ के इन्फिनिटी ओके जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट है जब हमने के डैश वर्सिज ए का ग्राफ लोड किया था के डैश किया था फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्सटेंट ओके सो इन्होंने एट हाई कॉन्सन्ट्रेशन वो के इन्फिनिटी दिए हुए हमने भी के इन्फिनटी ही माना था वो ओके के डैश इज इक्वल टू के इन्फिनटी आ गया था के इन्फिनिटी के क्या वैल्यू थी के वन के टू अपॉन के माइनस वन ओके इन्होंने बोला फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्सटेंट बिकम्स के इनफिनिटी बाई टू बोलते ये के इन्फिनिटी बाई टू बन जाता है जब हम जो ए की ए को ए हाफ लिखते हैं ओके okay? जब हम ए की वैल्यू ए हाफ करते हैं तब ये के इन्फिनिटी बाई टू बन जाता है हमने क्या निकालना है के वन की वैल्यू निकालनी है ओके सो अब आपको पता ही है कि जो हमारे पास के इन्फिनिटी होता है वो किसके इक्वल होता है के वन के टू अपॉन के माइनस वन ओके के इन्फिनिटी इसके इक्वल होता है K2 upon K -1, के टू अपॉन के माइनस वन किसके इक्वल होता है K2 upon K -1, के टू अपॉन के माइनस वन किसके इक्वल होता है ए हाफ के इक्वल ओके सो यहाँ से K1 के वन किसके इक्वल आ गया के वन इज इक्वल टू के इन्फिनिटी डिवाइड बाई ए हाफ ओके okay? सो so, आपको पूछा क्या है द वैल्यू ऑफ के वन आपने के वन की वैल्यू निकालनी है कितनी आ गई के इनफिनिटी अपॉन ए हाफ ओके सो ये क्वेश्चन भी देखो दिसंबर 2014 में आया हुआ है so, सो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आप वीडियोस को अच्छे से देखो ध्यान से देखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रेट रेड क्वेश्चन फॉर यूनिमोलिकुलर फे गैस फेज रिएक्शन ए टू पी दैट फॉलोज द एलिनमेंट मैकेनिज्म इज टू पर सेकेंड एट पी ए इज इक्वल टू वन एटमोसफेयर आपको प्रेशर की टर्म्स में दिया हुआ है ओके वन एटमोस्फियर पे इतना हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट है एंड सेकंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू टू एटमोसफियर आपको इतना दिया हुआ है आपने निकालना क्या है रेट कॉन्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप एक्टिवेशन स्टेप कौन सा होता है जैसे हम दो स्टेप्स लिखते हैं ए से ए प्लस ए से हमारे पास क्या बन क्या बनता है ए स्टार ओके ए से ए स्टार का बनना ही एक्टिवेशन है हम क्या बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया ये एक्टिवेट हो गया ओके okay? इसको फॉरवर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन स्टेप हमने उसका रेट कांस्टेंट पता करना है मीन्स के वन की वैल्यू पता करनी है ओके सो so अब देखो हमने निकाला ही था कि जो के वन की वैल्यू होती है ओके K1 के वन किसके इक्वल होते हैं के वन इज इक्वल टू के वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन ए टू डिवाइडेड बाई वन अपॉन के वन डैश माइनस वन के टू डैश ओके अब आपको एक ही जगह क्या प्रेशर दो आप प्रेशर लिख लो सो so आप देखो जब प्रेशर वन है तब के वन वन टू है ओके okay, हमने वन पॉइंट वन लिखा यहाँ पे माइनस वन पॉइंट ये कितना है हमारे पास टू ओके वन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था हमारे पास टू माइनस वन पॉइंट फोर ओके सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा टू एटमोसफियर पर टू पर एटमोसफेयर पर सेकेंड ओके टू पर एटमोसफेयर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा ये दिसंबर 2015 में आया हुआ है आपको कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ओके okay, फॉमुलाज ना मीन्स ही जाओ अपने आप याद हो जाएंगे मैंने भी काफी काफी बार बोले हुए हैं तभी याद है अब ओके सो के वन इज इक्वल टू वन पॉइंट ए वन माइनस वन पॉइंट ए टू डिडेड बाई वन पॉइंट के वन डैश माइनस वन पॉइंट के टू डे ओके अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यस फिर ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है यहाँ पे हमने प्री एक्सपोनेंशियल आरहीनियस का निकाला था ओके okay? सो so, वहाँ पे आपके पास क्या था ये क्वेश्चन में देखो फॉर अ गैस यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन एट टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलविन विद अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको प्री एक्सपोनेंशियल दे रखा है जब आपको ये नहीं मेंशन होता ना कि किस थ्योरी का प्री एक्सपोनेंशियल देख रहे हो तब आपने मीन्स आरहीनियस का ही लेना है ओके okay? आरहीनियस का प्री एक्सपोनेंशियल ही लेना है डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है ओके okay? मी कौन सा हम प्री एक्सपोनेंशियल लें तो आपने प्री एक्सपोनेंशियल आरहीनियस का ही लेना है आपने निकालना क्या है ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है ओके okay? सो so, अगर हम देखें जो हमारा प्रिय एक्सपोनेंशियल होता है आरहीनियस का वो किसके इक्वल होता है आर टी अपन एन ए एच आर टी अपन एन एच जो हमने थर्मोडाइनमिक अप्रोच की थी ओके आर टी एप ओन एन एच ईज इंटू ई रेस टू पार इन हमारा क्या आ गया था ई रेस टू पार डेल्टा एस हैश अपन आर ई रेस टू पार माइनस डेल्टा एन जी हैश ओके इंटू ई ई रेस टू पार वन ये ई रेस टू पार वन हमने क्यों लगाया क्योंकि हम आरहीनियस का ले रहे हैं ओके आरहीनियस का एक्सपोनेंशियल हम यही लेते हैं ई रेस टू पार एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओके सो एन क्या होती है हमारे पास वन के इक्वल होती है ओके एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स फिर में हमने देखा ही था एन इक्वल आई थी वन के इक्वल सो ई रेस टू पार वन आ गया था हमारे पास सो so, यहाँ से देखो आपने ई रेस टू पार डेल्टा एस हैश अपन आ रहा है आपने क्या निकालना है एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है मीनस डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है ओके okay? सो so, मैंने आपको यही बताना था कि अगर आपको नहीं मेंशन होता ना तब आपने आरहीनियस का एक्सपोनेंशियल ही लेना है प्री एक्सपोनेंशियल ओके okay? कहीं कंफ्यूज हो के आप ई रेस्ट टूपार वन ना लगाओ ई रेस्ट पर वन साथ में आएगा ओके okay? सो so, अब आप वैल्यूज ही पुट करनी है ये ए की वैल्यू आपको गिवन है ओके okay? ये गेट में आया हुआ है कैलकुलेटर अलाउड होता है ए की वैल्यू आपको गिवन है आर पता है टी पता है एन ए पता है एच पता है ओके okay? सो so, ये आपको ई रेस्ट पर डेल्टा एन जी एच भी पता है डेल्टा एन जी हेच की वैल्यू पता है आर की वैल्यू पता है सो आप डेल्टा एस यहाँ से निकाल लोगे ओके okay, जो आपके पास आंसर आएगा आंसर आप कैलकुलेट कर लेना डेल्टा एस सैश आपके पास आएगी टेन पॉइंट थ्री नाइन जूल पर कैलविन ओके okay, जूल पर कैलमिन में ही इन्होंने बोला है तो ये आ जाएगा आपके पास टेन पॉइंट थ्री नाइन आंसर आ जाएगा ओके okay, सो तो जब आपको मेंशन नहीं होना कि कौन सा हमने प्री एक्सपोनेंशियल यूज़ करना है तब तो आपने आरहेनियस का ही यूज़ करना है ओके okay, आरहेनियस प्री एक्सपोनेंशियल ये हमने पहले वीडियो में, में करवाना भूल गई थी सो तो आज मुझे ये क्वेश्चन मिला तो मैंने आज करवा दिया ओके okay? सो so, अगर आप पहले वाले आप वीडियोस देख रहे हो ना इसका मतलब ये नहीं कि आप देख के भूल जाओ ओके okay? उसको रिपीट भी करो आपने नोटबुक पे जो भी उतारा है उसको रिवाइज़ करो बार बार ओके okay? ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख के छोड़ दिया बस हो गया ओके okay? वीडियो देख के छोड़ना नहीं है आप उसको अगर नोटबुक पर लिख रहे हो तो बार बार रीड करो ओके okay? एक दो दिन बाद रिपीट करते जाओ तब जाके आपको सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे हो जाएंगे ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक आज हमने आज हमने क्या किया यूनीमोलिकुलर रिएक्शन रेट थ्योरी ओके लिडमैन की यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट थ्योरी जब हमने के डैश वर्सिजे का ग्राफ प्लॉट किया था के डैश वर्सिजे का ग्राफ हमारे पास कैसा आया था जब जो के डैश था वो एट लो कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि बट जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें हाई कॉन्सेंट्रेशन पे वो के डैश ए पर डिपेंड नहीं करता था कॉन्सेंट हो गया था हमारे पास ग्राफ ओके okay? ऐसा ग्राफ आया था हमारे पास ओके okay? सो so, हमने के इनफिनटी देखा था के इनफिनटी किसके इक्वल है के वन के टू डिवाइड बाई K माइनस वन ओके के टू ओपोन के माइनस वन किसके इक्वल आ गया था हमारे पास A हाफ के इक्वल आ गया था ओके okay? के टू ओपोन के माइनस वन ए हाफ का इक्वल आ गया था सो so, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी K इन किसके इक्वल आ गया था K1 वन इन टू ए हाफ ओके और हमने क्या किया था K माइनस वन ए को K2 टू के इक्वल रख दिया था ओके सो वहाँ से हमारे पास जो A हाफ था वो किसके इक्वल आया था K माइनस वन डिवाइडेड बाई के टू ओपन के माइनस वन के टू पॉइंट के माइनस वन वो तो यहाँ से ही हमारे पास जो ए हाफ है वो किसके कल है के टू पॉइंट के माइनस वन ओके अगर आप वन पॉइंट के डैश वर्सिज वन पॉइंट ए में ग्राफ लोड कर रहे हो तब हमारे पास जो ग्राफ था वो कैसा आया था जो स्लोप थी या स्लोप क्या है? थी वन पॉइंट के ओके वन पॉइंट के वन एंड हमारे पास इंटरसेप्ट क्या था के माइनस वन डिवाइडेड बाई के वन के टू ओके okay? आपने स्लोप और इंटरसेप्ट तो हर एक ग्राफ की याद रखने हैं क्योंकि आपको क्या दिया होता है पेपर में वन पॉइंट के डी वन पॉइंट ए का ग्राफ दिया होता है स्लोप दी होती है इंटरसेप्ट दिया होता है कुछ ना कुछ निकालना होता है आपको जब आपको ऐसे ही नहीं पता कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे ओके सो हर एक ग्राफ की स्लोप याद रखो इंटरसेप्ट याद करो बस ये याद रखो किस किस के ग्राफ में प्लॉट है किस किस के बीच में ग्राफ है हमारा तो आप इक्वेशन तो खुद ही बना लोगे क्योंकि इक्वेशन क्या होती है हमारे पास वाई इज इको टू एम एक्स प्लस सी ओके सो इक्वेशन खुद बन जाएगी आप बस स्लोप एंड इंटरसेप्ट याद रखो ओके okay? सो so, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू